नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जैसे ही टॉपिंग कंप्लीट होता है तो हम टेस्ट सीरीज के तहत आपका टेस्ट लेते हैं, जिसके अंदर 10 से 12 क्वेश्चन आपको मैं देता हूं और आपको उसके जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने होते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होता है उसके जो टेस्ट दिया है उसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है जो पार्शियल डेरिवेटिव था, आंशिक अवकलन वाला, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इस टॉपिक में से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, यानी लगभग 4 नंबर का काम इस टॉपिक से लगभग आ जाता है, बाकी 2 नंबर का तो कन्फर्म, यानी 1 क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं और उसके आपको सोल्यूशन कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, है ना। फिर उसके सोल्यूशन में आपको करूँगा, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। देखो ये 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन जितने भी हैं इस टॉपिक के, वो मैं करवाने वाला हूँ टेस्ट के तौर पर, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे। आज तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं आया इससे, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे। और देखना इससे भी क्वेश्चन उठ जाएंगे, जो 10 क्वेश्चन दूं उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आप जो आपके जो ग्रेजुएशन के अंदर बुक लगती है उसके अंदर MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं वो सोल्व करोगे, उनमें से एक भी बार क्वेश्चन नहीं जाता, सेम टू सेम वही उठते हैं। तो वो अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो एक चीज भी बाहर नहीं जाएगी, आप चाहे और कोई गाइड लाएं या न लाएं, वो अगर आपके पास बुक है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, है ना। तो वो बुक आपके पास जरूर होना चाहिए, उसमें से प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन अपन लिखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, साथ में आपको ऑप्शन भी मिलेंगे इसके। एफ बराबर साइन इनवर्स, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों सभी, तो अच्छे से पूरा टेस्ट जरूर दीजिएगा, आपको जरूर बेनिफिट होगा इससे। हो तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर है। पहला क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ये हो तो ये बराबर होगा नंबर 1 एफ, ऑप्शन नंबर 2 है 2f, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास साइन एफ, और चौथा है टेन एफ। मैं इसके अंदर क्वेश्चन क्वेश्चन लिखूंगा, आपको पढ़कर भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि पढ़ने से भी कुछ दोस्त समझ आते हैं, तो केवल मात्र क्वेश्चन क्वेश्चन यहां पर लिखे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है जेड बराबर लोग एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, हो तो एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन वाई बराबर है। आपके ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 3, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, y की पावर x प्लस x की पावर y बराबर c, हो तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। ऑप्शन है आपके, चलो इसके अंदर ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आप dy अपॉन dx का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो ये पहले 3 क्वेश्चन आप अच्छे से लिखो, फिर उसके बाद यानी नोटबुक के अंदर ये क्वेश्चन लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी मैंने बता दिया आपको, इनमें से निश्चित रूप से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन्हीं क्वेश्चंस में से, है ना, क्योंकि ये जो आपकी ग्रेजुएशन लगती है उनके MCQ टाइप है, कुछ आपके अलग अलग एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं उनमें से क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, लिख लिया होगा। और दोस्तों साथ साथ अगर आप RPSC सेकेंड ग्रेड के दूसरे पेपर की तो तैयारी आप यहाँ पर कर रहे हैं मेरे चैनल द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अगर आप पहले पेपर की जो जीके वाला पेपर है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड में हैं सेकंड ग्रेड में हैं, उसकी बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, जिसके बारे में आपने अच्छे से सुना होगा। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको टीचिंग प्रोवाइड कराते हैं, और समय समय पर आपको गाइडेंस मिलती है, लाइव क्लासेज होती हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, नोट्स आपको मिलते हैं, और अनलिमिटेड एक्सेस आपको वहाँ पर मिलता है। तो सबसे पहले क्या करना है, अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद मोबाइल नंबर से साइन अप कर लीजिए, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो RPSC वहां सेलेक्ट कर दीजिए।
अब ऐसा आपने सेलेक्ट कर दिया तो आरपीएससी आप एक सब्सक्रिप्शन से, यानी आपने आरपीएससी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया उससे आप हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, यानी एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है उसके बाद आप हर पेपर की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा GBK10 ये कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो एटलीस्ट आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और आपको तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से मजबूत होगी। और यहाँ समय समय पर आपके लिए टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती हैं, प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, उसमें आपको गिफ्ट्स मिलते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी लेटेस्ट बेंचेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, आरएस के बेंचेज, ये भी समय समय पर आते रहते हैं तो इनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो अनअकैडमी आज ही डाउनलोड करें, लिंक जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और ये कोड GBK10 कोई भी कोर्स लें तो ये कोड जरूर लगाइए, ठीक है, लिख लिया होगा। चलिए उसके आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर है, माना u बराबर आपके पास है f y माइनस का z माइनस x माइनस y, तो आपको ज्ञात करना है डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल u अपॉन डेल z बराबर क्या आएगा। आपके ऑप्शन है 3, 2 और तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 0, ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, u बराबर आपको दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर, और देखना देखो ये पूरा टॉपिक ही आपका रिवाइज हो जाएगा इन क्वेश्चंस की मदद से, प्रत्येक क्वेश्चन करोगे तो इससे आपका जो टॉपिक पढ़ा है ये पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो देखो x बराबर क्या है, log t, y बराबर है e की पावर t, हो तो आपको ज्ञात करना है du/dt का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए, लिखो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिख लिया क्या, चलो आगे। एक जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है भाई, एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, क्या है देखना, क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि u बराबर आपको दिया हो x की पावर 4 y स्क्वेयर, जहां x बराबर आपको दिया है t स्क्वेयर, y बराबर है t क्यूब, हो तो डेल u अपॉन डेल t बराबर क्या आएगा। आपके ऑप्शन दिए हैं, आपके ऑप्शन हैं देखना, नंबर ए ऑप्शन है 22 टी 23, बी ऑप्शन है 14 टी 13, सी ऑप्शन है 22/33 23 टी 11, और चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन है 23/22 टी 22, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, लिख लो इसको फटाफट, लिख लिया क्या, चलो। क्वेश्चन नंबर 7 है एफ एक्स कोमा वाई बराबर आपको दिया है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो पूछा है आपको, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0, देखो ये पॉइंट रखने हैं यहां पर, -1 का मान है, ऑप्शन आपको दिए हैं, नंबर 1 0 आएगा, दूसरा ऑप्शन -1, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको कि 1 आएगा, और चौथा दिया है कि 2 आएगा। ये आपको बताना है, ये ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा किस में आएगा, लिख लो इन दो को, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में।
फटाफट लिखते जाओ। लिख लिया क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 8। फलन एफ एक्स कोमा वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर के लिए आपको निकालना है कि एक्स कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स प्लस का वाई कर ली एफ अपॉन कर ली वाई का मान है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हैं इसके अंदर, देखना। नंबर 1 है एफ, दूसरा है 2f, तीसरा ऑप्शन दिया है 3f और चौथा ऑप्शन दिया है 4f। ठीक है, लिख लो क्वेश्चन 8 को। अब देखो क्वेश्चन 9 प्रत्येक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई। यदि z बराबर साइन इनवर्स अंदर है अंडर रूट का एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर, नीचे आएगा एक्स प्लस वाई, तो एक्स कर ली जेड अपॉन कर ली एक्स प्लस वाई कर ली जेड अपॉन कर ली वाई का मान है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हैं नंबर 1 कि 3 आएगा, दूसरा ऑप्शन दिया है कि 1/2 आएगा, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको कि 0 आएगा और चौथा ऑप्शन दिया है कि माइनस का 1/2 आएगा। लिख लो इन क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन और है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। लिख लिया क्या? चलो ये क्वेश्चन साथ साथ में लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर, और पर्याप्त टाइम भी दे रहा हूं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेने का। लास्ट क्वेश्चन है देखना, क्वेश्चन नंबर 10। यदि z बराबर एक्स वाई एफ वाई अपॉन एक्स, तो पूछा है आपको कि x कर ली z अपॉन कर ली x, सभी आयलर प्रमेय है क्योंकि इसके अंदर आयलर प्रमेय से ही एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, लगभग क्वेश्चन आयलर प्रमेय के ही हैं क्योंकि वही क्वेश्चन पूछा जाता है आयलर प्रमेय से, निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है 3z और 4th है 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। अच्छे से टेस्ट देना, अच्छे से इन चीज़ों को लिखना और इसके जवाब कमेंट बॉक्स में देखो, जितने भी देखें 400-500 आप सेकेंड ग्रेड के विद्यार्थी देखते हैं वीडियोज़ को, तो उतने कमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए, एटलीस्ट कमेंट आते हैं 15-20 स्टूडेंट्स के। तो देखो बाकी क्या करते हो, बाकी जो भी वीडियो देखें वो कमेंट इस बार ज़रूर करना सभी, है ना, सभी को कमेंट करना है ताकि पता चले कि आपको कितना कुछ आता है, फिर उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। बाकी सॉल्यूशन मैं इसी वीडियो के अंदर भी करवा सकता था, लेकिन टेस्ट है तो टेस्ट की तरह ही ये रहेगी, और टेस्ट हो रहा है तो ये पता तो चलना चाहिए कि आप कितना कर रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये मुझे पता तो चलना चाहिए। तो ये आप कमेंट ज़रूर किया करें, गलत सही कोई बात नहीं, सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, टेस्ट वाले तो ज़रूर ही पढ़ता हूँ मैं, किनके कमेंट्स आए हैं, है ना, तो ज़रूर कमेंट करना जो टेस्ट दे, लगभग विद्यार्थियों देना है। देखो अब 400-500 स्टूडेंट्स देखेंगे, इतनी संख्या में देखते हो आप, तो उनके कमेंट्स तो भी तुम्हें आने चाहिए। ठीक है, मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ, बाकी मैं सॉल्यूशन इसी वीडियो के अंदर करवा सकता था, यानी आगे करवा सकते हैं, अभी कितने 10-12 मिनट का टेस्ट हुआ होगा इसके अंदर, बाकी क्वेश्चन इसके अंदर करवा सकते हैं, फिर वो फील नहीं आती टेस्ट वाली, यानी सॉल्यूशन भी करवा दें उसके अंदर क्वेश्चन भी करवा दें, तो फिर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, सॉल्यूशन नहीं वो, तो फिर क्लास के अंदर हम ऐसा करते ही हैं, क्वेश्चन लिखते हैं उसका सॉल्यूशन करते हैं, तो टेस्ट का मतलब यही हुआ कि आपको बाद में सॉल्यूशन मिले उसके, पहले आपको ये करके दिखाने हैं, सबको करना है, सबको करना है, सही गलत जितना भी है कोई बात नहीं, सब कीजिएगा क्वेश्चंस को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ऐसे सीरीज़ बहुत सारी आएंगी, जैसे जैसे टॉपिक्स हमारे होंगे वैसे वैसे आपके टेस्ट होंगे, और अभी काफ़ी टाइम है, अभी जैसे ही नोटिफिकेशन वगैरह आउट होगा तो हम तुरंत प्रभाव से और भी स्पीड पकड़ देंगे, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से कवर हो जाए, वैसा भी हम प्रयास कर देंगे।
तो आप उसकी चिंता नहीं करें सिलेबस की, बाकी सब कुछ जैसे चल रहा है एक बार वैसे ही चलने दीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये टेस्ट अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन सच्चे हैं, बेस्ट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा इनको। मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।